नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पेन किलर लेने से पहले आप ये बात जरूर जान लें, नहीं तो आपको हो सकती है खतरनाक बीमारी। आजकल हमें चाहे मामूली सर दर्द या जुखाम ही क्यों ना हो, हम हर बीमारी पर कोई ना कोई दवाई लेकर उसे ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में हल्का सा भी दर्द होता है तो हम तुरंत पेन किलर खा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके शरीर के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है? अगर आप पेन किलर्स के साइड इफेक्ट के बारे में जान जाएंगे तो आप इसे लेना छोड़ देंगे। आज हम आपको पेन किलर से होने वाले नुकसानों के बारे में बता रहे हैं। क्या क्या है पेन किलर से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे? दोस्तों, पेन किलर्स इंसान के शरीर में कई तरह की बीमारी जैसे घबराहट, नींद आना और बेचैनी को बढ़ावा दे देती है, इसलिए पेन किलर्स को रेगुलर नहीं खाना चाहिए। अगर आप रोजाना पेन किलर्स का सेवन कर रहे हैं तो बता दें कि इससे आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है। कुछ ऐसी पेन किलर्स भी होती हैं जो सांस की परेशानी जैसे अस्थमा इनोफेलिया को बढ़ाती है। दोस्तों, ज़्यादा पेन किलर्स के इस्तेमाल से सुस्ती, कब्ज, ब्लड प्रेशर कम होना जैसी बीमारियाँ भी हो जाती हैं। इसके अलावा ये दवाइयाँ डिप्रेशन को बढ़ाती हैं, साथ ही खाली पेट खाने से पेट और किडनी को भी खराब कर सकती हैं। ये दवाइयाँ व्यक्ति की उम्र को भी कम कर देती हैं। एक सर्वे के अनुसार पेन किलर्स इंसान की उम्र 10 साल तक घटा देती है। दोस्तों, दर्द से बचने के कुछ घरेलू उपाय होते हैं जो आज हम आपको इसके साथ बता रहे हैं। आप पेन किलर ना खाकर इन उपायों को जरूर आजमाएं। सुबह उठकर योग करने की आदत बनाएं, साथ ही सैर जरूर करें। सप्ताह में किसी एक दिन फल और जूस का सेवन जरूर करें। खाने में ही सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर फिर भी आपकी बॉडी का दर्द ठीक नहीं हो रहा हो तो आप अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर की सलाह लेकर जरूर दवाइयाँ खाएं। जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिखेंगे बस वही दवाई खाएं। अपनी मर्जी से कोई भी पेन किलर ना खाएं, यह आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।